सकते हैं। आप ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि सरकार ने तो कहा ना कि पैसा किसी का डूबेगा नहीं, तो ऐसा अरे तो डूबेगा नहीं तो कर्जा किसको दिया, उसी को दिया ना। हम जैसे गरीब आदमी को, इनको बेचारे को लाख रुपया कर्जा लेने में, 1000 रुपया कर्जा लेने में पाँव का जूता घिस जाता है। और वो अनिल अंबानी को जब डिफॉल्टर आदमी को कर्जा दे, ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप हमको बता रहे हैं, आपको भाजपा से मिला है क्या दलाली? आप ऐसा क्यों कह रहे? आप हमको बताइए, 13,000 करोड़ रुपया कैसे मिल गया? उसका रिश्तेदार लगता है? एक बात, जब नोटबंदी के टाइम में प्रधानमंत्री जी कहते हैं, भाइयों एवं बहनों, नोटबंदी से आतंकवादियों की कमर टूट गई, 4 पुस्तों की कमर टूट गई, मोदी जी आतंकवादियों के हौसले इतने बुलंद हो गए, आतंकवादी DSP देवेंद्र सिंह के साथ 12 लाख रुपया देकर आ रहा होता है, वो आतंकवादी उस DSP देवेंद्र सिंह के साथ आ रहा होता है जिसके संसद भवन पर हमलावर अफजल गुरु के साथ संबंध होता है। 14 फरवरी की पुलवामा की घटना के समय वो पदस्थापित था, 15 अगस्त को राष्ट्रपति पदक दिया गया। भाजपा के लोग सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिरती जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराई जानी चाहिए। वो कौन लोग हैं जो दिल्ली को जला रहे थे और दिल्ली में बैठे हुए तमाम आला अधिकारी हाथ पर हाथ धर चुपचाप बैठी थी, किसके इशारे पर? ये बहुत बड़ा जांच का विषय है, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र, साजिश, संयोग या प्रयोग, ये एक जांच का विषय है। आज देश में स्कूल कॉलेज बनाने के लिए मोदी जी के पास पैसे नहीं हैं, विधायक खरीदने के लिए रातों रात 50-50 करोड़ रुपया बोली लगाई जा रही है। जिस सिंधिया परिवार पर ये लोग आरोप लगाते थे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हार का कारण सिंधिया परिवार है, आज वो देशभक्त हो गए भाजपा में जाते ही, बगैर पैसा के गए। ये पैसा किसका है? ये देश की जनता का पैसा है। ये खरीद फरोख्त करने वाली ताकत कौन है जो देश को, ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं जो अपने ही देश को, अपने ही मुल्क को जाति और धर्म में लड़वा कर सारा बैंक लूट रहे हैं। ट्रेन का सपना, बुलेट ट्रेन का सपना दिखाकर साधारण ट्रेन बेच दिए, एयरपोर्ट बनाएंगे एयर इंडिया बेच रहे, पूरा देश घूट घूट कर मर रहा है, दो वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो गया है। ये पनौती इतने बड़े हैं, चाइना गए वहाँ कोरोना हो गया, देश में आए नमूना फैला दिया। आप देखिए, इजराइल गए, इजराइल के राष्ट्रपति चले गए, ब्रिटेन गए, ब्रिटेन का राष्ट्रपति वहाँ चला गया। ये जहाँ जाते हैं पनौती हैं, देश में जब से आए हैं सिर्फ अंकों का हेर फेर है, बर्बादी के मंजर चारों तरफ छाए हैं, दिन में ही काली रात है, 2020 वाली दिल्ली, 2000 वाली गुजरात है। देखिए, भाजपा के पास नेता तो है ही नहीं, कांग्रेस के ही 150 से अधिक लोग हैं, 150 से 200 लोग हैं भाजपा में नेता, और भाजपा के संस्थापक, RSS के संस्थापक के सब राम हेडगेवार कांग्रेसी थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेसी थे, तो इनके पास नेता कहाँ है? इस तरीके से पिता पुत्र का संबंध है। देश में इस समय सबसे बड़ा सवाल है, यस बैंक डुबाने में भाजपा के व्यापारिक मित्रों का हाथ है? अनिल अंबानी को कर्जा क्यों दिया गया? भाजपा के सांसद सुभाष चंद्रा, जी न्यूज के मालिक, SL ग्रुप के चेयरमैन को दिया गया? 17 से रिजर्व बैंक मॉनिटरिंग कर रही थी तो क्यों दिया गया भाई 1 लाख करोड़ रुपया का कर्जा? इसमें जो लोग भाजपा के चुनावी फंड में चंदा दिया जाता है, सत्ता के गलियारों का, सत्ता के प्रभाव से उन लोगों को दिलाया गया और यस बैंक को डुबा दिया गया। हिंदियों के, फर्जी हिंदू के ठेकेदार बनते हैं, भगवान जगन्नाथ के भी 565 करोड़ रुपया डुबा दिए, उनके कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा। जब देख, आप देखिए, 2 दिन पहले गुजरात के व्यापारिक बंधुओं ने 265 करोड़ रुपये निकाल लिया, किसके इशारे पर यह सब हो रहा है? पहले देशभक्ति पर इनके सवाल है। जिस माधवराव सिंधिया के परिवार पर, ज्योतिराज सिंधिया के परिवार पर आरोप लगाया जाता था कि ये अंग्रेजों के दलाली में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ धोखा किया, आज देशभक्त हो गए, भाजपा सत्ता के लिए इतना गिर गई, इसका मतलब भाजपा का जो भी आरोप दूसरों पर लगाते हैं ये सरासर गलत है। दूसरी बात, भाजपा के लोग इतने गिर गए जिस पुलवामा की घटना में, पुलवामा के शहीदों का फोटो लेकर गली गली खाक खाक छान कर वोट मांग रही थी, उस पुलवामा के आश्रितों को, जो शहीद परिवार के आश्रितों को न पेंशन दिया जा रहा, न भत्ता दिया गया, उल्टा उनके आरोपी को जमानत दे दी गई, NIA ने चार्जशीट तक दाखिल नहीं किया, जो हमारा देशभक्त था जो कारगिल युद्ध का, उसको NRC में घुसपैठिया करार दिया, जो 1965 की लड़ाई में पाकिस्तानी हीरो था, जिसने भारतीय फौजों को शहीद किया, जिसने भारतीय टैंकों को ध्वस्त किया, उसके बेटे अदनान सामी को पद्मश्री दे दिए, अब बताइए ये इनकी देशभक्ति है? दोस्तों, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और ख़ास वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ उसे ज्वाइन करें।